देखिए करना क्या है, हमें बड़ा साधारण सा तरीका उठाना है। हमको क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है। पहली बाई कहाँ आएगी, हमें पहली बाई रखनी है यहाँ, ठीक है। और हम पहली बाई की बात करेंगे, पहली बाई से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, ये गई दूसरी बाई, ठीक है। और फिर हम लोग वापस नीचे आएंगे, एरो को हम कर देंगे, ये आई तीसरी बाई। फिर यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे, ये आई चौथी बाई, ठीक है। और वापस हम लोग आए, ये आई पांचवी बाई। फिर से हम लोग गए, ये गए हम लोग छठी बाई। और वापस हम लोग आए तो ये हमने दे दी है सातवीं बाई। फिर यहाँ से हम लोग गए ऊपर आठवीं बाई। तो कंसेप्ट को आप समझिएगा। समझने का मतलब है, दोबारा से मैं एक बार आपको शुरू कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले पहली बाई लिख देनी है नीचे, उसके बाद आपको दूसरी बाई लेकर जानी है कहाँ, ऊपर। तो जब तीर ऊपर जाएगा तो यह गई ऊपर के हाफ में। फिर जब हम बात करेंगे तो यह तीसरी बाई आई नीचे के हाफ में। फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो यह ऊपर के हाफ में। कहने का मतलब है कि जो रो अगर नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है तो वह कहाँ जा रहा है, नीचे के हाफ में। और अगर एरो ऊपर जा रहा है तो वो बाई कौन से हाफ में जा रही है, वो बाई जा रही है ऊपर के हाफ में। तो इस तरह से हम लोग, जो एरो नीचे आ रहा है वह बाई नीचे के हाफ में जा रही है, और जो एरो ऊपर जा रहा है वो हम कहाँ दे रहे हैं, ऊपर के हाफ के अंदर बाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बड़े सीधे और सरल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक अनिवार्य कंडीशन आपको क्या लगा कर रखनी है, आपको अनिवार्य कंडीशन कहाँ लगा कर रखनी है कि पहले आपको एक नंबर लिख देना है और इसको नीचे आपको हमेशा मानना है, और नीचे मानना है। फिर एक एरो इस तरह से चलाना है, ये दूसरी बाई ऊपर के हाफ में, ये एरो आया तीसरी बाई नीचे के हाफ में, ये एरो गया चौथी बाई ऊपर के हाफ में, ये एरो आया और ये पांचवी बाई नीचे के हाफ में, ये एरो ऊपर गया छठी बाई ऊपर के हाफ में, ये एरो नीचे आया ये सातवीं बाई नीचे के हाफ में, और ये एरो फिर ऊपर गया आठवीं बाई ऊपर के हाफ में, फिर ये एरो नीचे आया नवीं बाई कहाँ पर आ गई हमारे, नीचे के हाफ में, दसवीं बाई फिर ऊपर के हाफ में, और ये ग्यारहवीं बाई फिर से नीचे के हाफ में, फिर एरो ऊपर गया ये बारहवीं बाई कहाँ, ऊपर के हाफ में, ये तेरहवीं बाई। जिस तरफ एरो जा रहा है आप इनको हाफ से मान लें। यह एक बड़ा साधारण सा और सिंपल सा तरीका है। पंद्रहवीं बाई कहाँ आ गई हमारे, नीचे के हाफ में। और आपको हमेशा एक चीज और याद रखनी है, मैं पहले हमेशा बताता आया हूँ, नीचे के हाफ में सदैव बाई ज्यादा आती है। तो आप काउंट कर सकते हैं, जब हम लोग 32 टीमों का फिक्चर बनाएंगे, 32 टीमों के फिक्चर में यदि 17 टीमें हैं तो अधिकतम 15 बाई देते हैं। तो 15 बाई देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बाई कहाँ पर आ गई, नीचे के हाफ में। और 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 बाई कहाँ आ गई, ऊपर के हाफ में आ गई। इस तरह से हम लोग बड़े ही आसान तरीके से हाफ के अंदर बाईस का विभक्तिकरण कर सकते हैं। बस आपको एरो की क्रमबद्धता के ऊपर ध्यान देना है। यह बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है।